बागली नगर पंचायत में अधिकारियों की लापरवाही का एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां कागजों में जीवित को मृत और मृत को जीवित बता दिया गया है। जी हां, यहां एक आदिवासी महिला को उसके जीते जी समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसे सरकारी सुविधाओं से महरूम रखा गया। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही ने एक महिला के लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। समग्र पोर्टल पर जीवित महिला को मृत बता दिया गया है, जिसके कारण सस्ता राशन बंद हो गया है। दरअसल बागली के गांधी कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 6 निवासी बाटू सिंह का निधन पिछले वर्ष दिनांक 13 जून 2019 को हो गया था, लेकिन बागली नगर पंचायत की लापरवाही के चलते बाटू सिंह को तो नगर पंचायत में उनकी समग्र आईडी पर वर्तमान में भी जीवित रखा है, लेकिन उनकी पत्नी मनुबाई को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अब महिला अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए भटक रही है। आदिवासी महिला मनुबाई ने बताया कि मेरे परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार सूचना देने पर भी उन्होंने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। नगर पंचायत में कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदारों की आंख नहीं खुली, तो मनुबाई ने कलेक्टर से शिकायत की है। नगर आईडी में पति का बदला मेरा नाम काट दिया। कितना समय हो गया? साल भर से ऊपर हो गया। नगर पालिका में जाते कोई सुनवाई नहीं होती, बार बार दौड़ कर जाते, फिर भी वापस पहुँचा देते, कोई भी सुनवाई नहीं। घोषित कर दी मेरे को, पति का पहले मेरे को मार दी, पति का नाम चल रहा है और मेरे को मार दी। वेतन दिया, देवास दिया, कलेक्टर साहब के पास में गए थे कल, कुछ भी लाभ नहीं उठाए, जाते तो मना कर दे। मनुबाई ने देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से गुहार लगाई है कि उन्हें पुनः समग्र आईडी में जीवित घोषित किया जाए, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ वो ले सके। साथ ही उनके पति की मृत्यु के पश्चात संबल योजना में मिलने वाला लाभ भी दिलवाया जाए। अब सवाल उठता है कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा गरीब आदिवासी महिला क्यों भुगते? क्या प्रशासन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई एक्शन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बागली।